हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेक्स टॉनिक के बारे में। काफी सारे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं और उनकी डिमांड रहती है कि एक अच्छा सेक्स टॉनिक दो। अलग 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 सेक्स टॉनिक में, मतलब सेक्स टॉनिक के बारे में मार्केट में काफी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती है, काफी सारे विज्ञापन है सेक्स टॉनिक के बारे में। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, फिर और कोई पैथी, सब पैथी में बोलते कि नहीं, हमारे पास में सेक्स टॉनिक है और सेक्स टॉनिक देके हम उसका इलाज करेंगे। यूनानी के पास में कोई झोपड़ी लगा के बैठते रास्ते में, और उनके पास में झोपड़ी में मतलब वो सब दवाखाना रहता है और उसमें सब वो काढ़े और अलग अलग जड़ी बूटी रहती है, और वो सेक्स टॉनिक करके कोई किसका मतलब तेल देते हैं या कोई उसका मांस खाने के लिए बोलते हैं या कोई दवाइयाँ बोलते हैं, मतलब ऐसा अलग 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 सेक्स टॉनिक्स है। देखो, लोगों को ये प्रॉब्लम है नपुंसकत्व का, मतलब साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस का या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, और उनको और एक दूसरा मेजर प्रॉब्लम है शीघ्र पतन का, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का। तो दोनों प्रॉब्लम के लिए लोग डिमांड करते हैं कि हमको सेक्स टॉनिक अच्छा लिख के दो। एक्चुअली इसको जरूरत है काउंसिलिंग की, तो मेरे यहां आते हैं उनको बोलता हूं मैं कि आप पहले काउंसिलिंग करो, उसके लिए आप आपके पत्नी को लाओ, हम साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको नपुंसकत्व आया हुआ है, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको लैंगिक समस्या आ रही है, उसके दिमाग में जो भी कुछ कीड़ा कांडी है, जो भी कुछ दिमाग में कुछ विचार है या कोई गलत फहमी है, जैसे हस्तमैथुन के बारे में गलत फहमी होंगी या नॉक्चर्नल इमिशन मतलब नाइट फॉल है उसके बारे में गलत फहमी होंगी, है ना, या फिर पेशाब करने के समय उसको धातु जाता है उसकी गलत फहमी होंगी, मतलब ऐसे अलग 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 कुछ दिमाग में गलत फहमी होंगी, तो वो मैं निकालता हूँ, इसके लिए काउंसलिंग जरूरी है। और फिर सेक्स टॉनिक ऐसे देखो, जो सेक्स टॉनिक बाजार में जो मिलते हैं ना, तो वो कोई बॉटल में गोलियां रहती है, कैप्सूल रहती है, उसके ऊपर बैल का चित्र रहता है, घोड़े का चित्र रहता है, और ये आप लेंगे एक ही गोली तो बिल्कुल आप जैसा बैल जैसा या घोड़े जैसा काम कर सकेंगे, तो ऐसा कोई भी उपलब्ध नहीं। यदि कोई मतलब चांदी का वर्क लगा के कोई गोलियां मिलती है, तो यदि कोई फायदा होता ही है तो वो गोली की जो कीमत है उससे फायदा होता है, कि कोई भी गोली फिर 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 रुपए की मिलती है, और अभी मैंने 150 रुपए की गोली खाया, अभी मैं कर सकूंगा, ये आत्मविश्वास उसका बढ़ जाता है और वो उसका काम कीड़ा अच्छा कर सकता है और उसका सेक्स हो जाता है। एक्चुअली कोई भी गोली आज बाजार में ऐसी उपलब्ध नहीं है कि जिससे 101% फायदा हो जाए। हाँ, कुछ उपलब्ध है, जैसे सिल्डेनाफिल है, सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल, ये जो गोलियाँ बाजार में मिलती है, तो वो गोली 2 घंटे या 3 घंटे पहले सेक्स करने के खाते हैं, और तो उसमें इरेक्शन होने के, शिश्न बड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मगर उसके लिए भी मन को शांति होना जरूरी है, मन को टेंशन नहीं होना, स्ट्रेस नहीं होना, वातावरण अच्छा होना, और पहले प्रणय करना जरूरी है। पहले 5-10 मिनट यदि प्रणय करते हैं, प्रेम प्यार करते हैं पत्नी के साथ में, और वो गोली खाने के 3 घंटे बाद में यदि कोशिश करते हैं, तो काफ़ी अच्छा इरेक्शन आता है। तो सिल्डेनाफिल टाडालाफिल ये गोली है, और वो गोली भी काम करती नहीं है, तो एक पेपेवरिन नाम की दवाई है, उसका इंजेक्शन सीधा शिश्न में हम देते हैं, और शिश्न में सीधा इंजेक्शन उसको दिया तो उसको टेंशन या शिश्न बड़ा होना हो जाता है वो इंजेक्शन से, और वो काम कीड़ा अच्छी कर सकता है, प्रणय अच्छा कर सकता है। तो ये जो गोली है, ये गोली 101% फायदा नहीं करती, क्योंकि गोली खाने के बावजूद भी दिमाग रिलैक्स होना, दिमाग में कोई बीमारी नहीं होना मन की, या बदन की कोई बीमारी है तो ऐसी मतलब, या बहुत पेट भरा हुआ है, या डिप्रेशन आया हुआ है, मतलब निराशा निराशा आया हुआ है, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, एकदम शांति है, और कोई सिर्फ मतलब ऐसा होगा नहीं होगा, क्यों हो रहा है, ऐसा मामूली टेंशन है,
अच्छा प्रणय कर रहा है, तो सिल्डेनाफिल जो गोली है वो 50 मिलीग्राम की गोली आती है, 100 मिलीग्राम की गोली आती है। टाडालाफिल जो है वो 10 मिलीग्राम की गोली आती है, 20 मिलीग्राम की गोली आती है। तो ये गोली देके इसका फायदा, मतलब इसके ऊपर फायदा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ हम टेंशन कम करने वाली भी दवाइयाँ देते हैं, ताकि एक बार दिमाग का टेंशन कम हो गया तो फिर शिश्न में टेंशन आ सकता है। हम बोलते हैं कि दिमाग का टेंशन और शिश्न का टेंशन, ये उल्टा है। दिमाग में टेंशन रहेगा तो शिश्न में टेंशन नहीं आएगा, दिमाग रिलैक्स रहेगा, टेंशन लेस रहेगा तो शिश्न में टेंशन आएगा। तो बाकी कोई भी गोली के ऊपर विश्वास न करते हुए कुछ जो एलोपैथी की दवाइयाँ मैंने बोली है वो लेना चाहिए। प्रणय काम क्रीड़ा जो है उसमें प्रणय पहले 5-10 मिनट करना चाहिए, 15 मिनट करना चाहिए, ताकि अच्छा मतलब शिश्न में टेंशन आ सकता है और अच्छा सेक्स हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर, मतलब इच्छा जिसकी है वो पार्टनर और बहुत ज़्यादा खेलने वाला पार्टनर, इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टेड है पार्टनर, सबसे अच्छा सेक्स टॉनिक है, ऐसा बोला जाता है। तो आप कोई भी ऐसे बंधु जो वैद्य रहते हैं या डॉक्टर रहते हैं या पेपर में अखबार में एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ, ये तेल से मालिश करो वो तेल से मालिश करो, ऐसा, तो उसको मतलब बलि ना पड़ते हुए एक साइंटिफिक तरह से उसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो यदि आप जो इलाज करते हैं स्पेशली मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक करके, अभी उसका इलाज यदि आप करते हैं, मतलब वो एक काउंसिलिंग का प्रकार है, उससे यदि आप इलाज करते हैं तो 101% फायदा हो सकता है। यदि कोई शारीरिक बीमारी नहीं है तो फिर तो 101% फायदा होना ही है। तो इसका यदि आप उपयोग इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छा जीवन, सेक्स लाइफ आप अच्छा जी सकते हैं। तो इसका आप प्रचार करो, प्रसार करो, लोगों को बताओ, ताकि वो कहीं अपना पैसा खर्चा ना करते हुए या कहीं गलत दवाई लेके अपने बदन के ऊपर गलत असर नहीं करेंगे और एक साइंटिफिक वे से जो मैं बोल रहा हूँ वो दवाई खाएंगे और साइंटिफिक वे से उसका उनका उनको फ़ायदा हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।